नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ऋग्वेद का एक परिचय हमने प्राप्त किया है, जिसमें उसका किस किस रूप में विभाजन हुआ, उसके कौन कौन से मंडल के कौन कौन से प्रमुख ऋषि हैं, उनकी वंश परंपरा, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण विषय थे उन पर ऋग्वेद में चर्चा की। और इसके बाद हमने शुरू किया ऋग्वेद के सूक्तों का विवेचन। इस विवेचन में भी ऋग्वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूक्त अभ्यासक्रम में हैं उनका विवेचन हमने यहाँ देखा। कुछ जो बाकी हैं उनका भी विवेचन आपके सम्मुख धीरे धीरे आएगा। लेकिन अब चूंकि विषय बहुत विशाल है, इसलिए अन्य दिशा में भी चलना पड़ेगा। तो आज से हम यजुर्वेद की चर्चा शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में यजुर्वेद की संहिताओं का परिचय। जैसा कि हम जानते हैं, प्रारंभिक परिचय के वीडियो में हम देख चुके हैं कि एक शतम अध्वर्य शाखा, 101 जितनी यजुर्वेद की शाखाएं पाई जाती हैं या पाई जाती थी, उनका उल्लेख तो पाया जाता है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि वेद वो खाली मंत्र या संहिता भाग नहीं है, उसमें मंत्रों के साथ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सब का भी समावेश होता है। इतना ही नहीं, उनके प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं, उनके अपने धर्मसूत्र हैं, कल्पसूत्र हैं, और ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो एक शाखा का स्वरूप ग्रहण करती हैं। तो ऐसी 101 शाखाओं का उल्लेख जो यजुर्वेद के संदर्भ में पाया जाता है, ये यजुर्वेद की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। देखिए, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, वो ऋचाएं अगर हम ध्यान दें तो स्तुति परक अधिक हैं। कुछ संवाद सूक्त, कुछ दार्शनिक सूक्त भी हमने देखे। इस प्रकार हम ऋग्वेद की विषय वस्तु को समझ सकते हैं। लेकिन जब हम यजुर्वेद पे आते हैं तो बात बदल जाती है। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद माना जाता है और जीवन की उपयोगिता या मंत्रों की उपयोगिता तभी है जब उसको प्रयोग में लाया जाए। देखिए, हम किसी मंत्र के माध्यम से किसी देवता की स्तुति करते हैं तो वो एक प्रार्थना रूप होता है, और उस स्तुति से हमें जितना संतोष मिलना चाहिए उतना संतोष हम प्राप्त नहीं कर पाते। स्थिति किस प्रकार की आती है कि अगर आप किसी देवता की स्तुति कर रहे हैं, उसके लिए कोई श्लोक बोल रहे हैं, तो उससे एक आनंद और एक तृप्ति तो मिलती है। लेकिन अगर उसी मंत्र के माध्यम से आप उस देवता का पूजन करने लग जाएं, तो आपका आनंद और आपकी आत्मतृप्ति बढ़ जाती है, आपका खुद पे विश्वास बढ़ जाता है। और यही काम यजुस मंत्रों ने किया। यजुर्वेद ने ऋग्वेद के मंत्रों का जो मात्र स्तुति परक कार्य था उसको लेकर के और यजुस मंत्रों के माध्यम से कर्मकांड में उसका प्रयोग शुरू, और यही यजुर्वेद की सबसे बड़ी महत्ता है। और यजुर्वेद के वर्ण विषय में भी यही सारी चीजें पाई जाती हैं। यहां तरह तरह के यज्ञ विधान, तरह तरह के व्रतों का विधान और तरह तरह की जो चीजें हैं वो सभी कर्मकांड से संबंधित है। जीवन में व्यक्ति सफलता प्राप्ति के लिए या सुख शांति के लिए जो कुछ भी करता है, वो कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, उन सब का प्रायः उल्लेख यहाँ आपको मिल जाता है। तो ये है यजुर्वेद का मुख्य वर्ण विषय, जिसको हम विस्तार से आगे देखेंगे। लेकिन इस यजुर्वेद की जो 101 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, उनके मुख्य दो विभाग हैं, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कभी आप कोशिश कीजिए, कृष्ण यजुर्वेद की कोई संहिता रख लीजिए और शुक्ल यजुर्वेद की कोई संहिता रख लीजिए। इन दोनों संहिता में जब आप
मंत्रों की बात करेंगे तो प्रायः मंत्र एक जैसे ही पाए जाते हैं। प्रायः का अर्थ यह होता है कि 100 में से 95 या 98, इसको मैं प्रायः मानता हूं। प्रायः यानी जैसे हम 100 में से 33 या 35 मार्क लेके पास हो जाते हैं, वो प्रायः की परिभाषा आज के पासिंग मार्क्स के लिए है, नहीं कि वेदों के संदर्भ में। तो जब दोनों के मंत्र एक जैसे हैं या एक ही प्रकार के मंत्र दोनों वेदों में पाए जाते हैं, तो मुख्य अंतर क्या है? एक को कृष्ण यजुर्वेद और एक को शुक्ल यजुर्वेद क्यों कहा जाता है? तो उसका प्रमुख कारण जो है, गुरु और शिष्य का जो विवाद कहा गया वहां भी एक उल्लेख पाया जाता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि गुरु ने जिस परंपरा से उस वेद को आगे बढ़ाने की अपेक्षा रखी, शिष्य को लगा कि नहीं, इसकी जगह पे इतना कुछ इस प्रकार से हो तो ज्यादा योग्य है, और जब गुरु ने उसका निषेध किया होगा तो उस परंपरा का परित्याग किया गया, न कि उन मंत्रों का। तो याज्ञवल्क ने सूर्य की उपासना करके नए मंत्र नहीं प्राप्त किए हैं, मंत्र तो वही रहे हैं, लेकिन उनकी प्रस्तुतिकरण और प्रयोग की जो विधि है वो बदली है। और यही मुख्य अंतर कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि दोनों की संहिताएं अगर आप साथ में रखेंगे तो जब वैदिक मंत्रों की बात आएगी, जब यजुष मंत्रों की बात आएगी, तो यजुष मंत्र दोनों में एक समान ही पाए जाएंगे। हाँ, प्रातिशाख्य ग्रंथ, उनकी प्रयोग की, उनकी उच्चारण की, उनके स्वर पाठ की पद्धति में अंतर आता है, और यही मुख्य अंतर है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। पहली बात, अब हम जो तैत्तिरीय शाखा है आज उसका थोड़ा सा विवेचन करेंगे। अगर हम यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा की बात करें तो कथानक के हिसाब से, तो क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा है, यही कहा गया कि तीतर बन के ऋषियों ने उसको ग्रहण किया इसलिए। लेकिन अगर हम वास्तविकता को समझें तो वैशंपायन की परंपरा में जैसा उल्लेख पाया जाता है, चौथी पीढ़ी में तित्तिर नाम के आचार्य हुए। वैशंपायन के शिष्य यास्क थे, यास्क के शिष्य पेंगी का उल्लेख मिलता है, और पेंगी के शिष्य तित्तिर थे। यानी वैशंपायन से चौथी पीढ़ी में इन तित्तिर नाम के ऋषि या आचार्य, जो भी आप कहें, इनका उल्लेख पाया जाता है, और इनके नाम से ही यजुर्वेद की ये कृष्ण यजुर्वेदीय जो संहिता है उसको तैत्तिरीय संहिता कहा जाता है। अब देखिए, जो आख्यान है वो तो ये कहता है कि याज्ञवल्क ने जिसका वमन किया उसको तित्तिर के रूप में ग्रहण किया ऋषियों ने। अब वैशंपायन के शिष्य यास्क भी हैं, वैशंपायन के शिष्य याज्ञवल्क भी हैं। अगर वैशंपायन की चौथी पीढ़ी में शिष्य परंपरा में तित्तिर पाए जाते हैं, तो याज्ञवल्क के बाद दो पीढ़ी के बाद उनका नंबर आता है, तो इस हिसाब से तो ये बात बराबर लगती है। लेकिन याज्ञवल्क जिनको कि शतपथ ब्राह्मण का रचयिता माना जाता है, शतपथ ब्राह्मण उन्हीं का ग्रंथ है, उसमें तित्तिर का उल्लेख पाया जाता है, और एक बार नहीं अनेक बार पाया जाता है। तो इस प्रकार से तित्तिर जो है वो याज्ञवल्क के पुरोगामी हो ऐसा भी है, या मेरे हिसाब से, या जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से, दोनों को समकालीन मानना योग्य है। हो सकता है याज्ञवल्क थोड़े उम्र में बड़े हों, तित्तिर उनसे छोटे हों, क्योंकि उनसे
हो सकता है कि 40 वर्ष भी छोटे हों। गुरु शिष्य की परंपरा में ऐसा भी नहीं हुआ करता था कि हमेशा शिष्य जो है वो गुरु से उम्र में छोटा ही होना चाहिए। कई बार ऐसा भी पाया गया है और जैसा कि कालिदास ने लिखा भी है, नहीं ज्ञान वृद्धेशु वया समीक्षते। भाई ज्ञान वृद्ध होने के लिए वयोवृद्ध होना जरूरी नहीं है। तो ये दोनों आचार्य, ये दोनों ऋषि समकालीन थे, ये मानना चाहिए। तो इन आचार्य तित्तिर की जो संहिता है उसको हम तैत्तिरीय संहिता के नाम से जानते हैं। तैत्तिरीय संहिता जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख संहिता मानी जाती है। जैसा कि पहले कहा कि यजुर्वेद की 101 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, इसमें 86 शाखाएं जो हैं वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं और 15 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। इस संदर्भ में भी थोड़ी चर्चा करना जरूरी है। देखिए याज्ञवल्क के पास से जिन 3 उपमन्यु वगैरह ऋषियों ने इस कृष्ण यजुर्वेदी पद्धति को ग्रहण किया, वहां तक ही कृष्ण यजुर्वेद है, मैं ऐसा मानता हूं। मेरे अध्ययन के अनुसार मैत्रायणी संहिता है कृष्ण यजुर्वेदी संहिता, लेकिन जितनी असर उस पर कृष्ण यजुर्वेद की देखी जाती है उतनी ही असर उस पर शुक्ल यजुर्वेद की देखी जाती है। यानी कहीं ना कहीं ये संहिताएं भले कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा को लेकर के चलती हूं, लेकिन वो कृष्ण या शुक्ल यजुर्वेद ना कहकर उनको हमें यजुर्वेद की संहिता कहना पड़े, ऐसी स्थिति है। और इसीलिए आचार्यों ने एक शतम अध्वर्य शाखा कहा वहां, नहीं तो इतनी कृष्ण यजुर्वेद की और इतनी शुक्ल यजुर्वेद की ऐसा उनको कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। क्योंकि ये भेद, जैसा कि मैंने कहा कि मंत्रों के आधार पर तो किया नहीं जा सकता है, खाली उनकी कुछ उपयोगिता और प्रातिशाख्य में जो उनके स्वर वगैरह हैं उनके आधार पे ही ये भेद देखा जाता है। जैसा कि शुरुआत के परिचय में भी कहा कि जो शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र हैं उनमें बाकायदा विनियोग वगैरह होते हैं और कृष्ण यजुर्वेद के मंत्रों में वो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो ये जो मुख्य भेद है उस भेद को हमें समझना पड़ेगा। और जो मैं आपसे कह रहा था कि तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख संहिता है, ये बात यहाँ आकर के और सिद्ध होती है। क्योंकि मैत्रायणी संहिता को तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो कृष्ण यजुर्वेद की नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो यजुर्वेद की है, लेकिन तैत्तिरीय संहिता जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है। अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद की संहिता जो तैत्तिरीय संहिता है उसमें जो विशेषता है जो शुक्ल यजुर्वेद में नहीं पाई जाती है वो इस प्रकार की है कि यहाँ पे मंत्र और ब्राह्मण दोनों एक साथ चलते हैं। इसकी संहिता में ऐसा है कि जो जिनको हम यजुष मंत्र कहते हैं वो भी पाए जाते हैं और जो ब्राह्मण यानी उनकी जो व्याख्या वगैरह है या जो ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में जिसको एक अलग वेद का भाग माना जाता है वो भी उसके साथ साथ पाए जाते हैं। और यही सबसे बड़ा अंतर कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में है। सामान्य परिचय जैसा मैंने आपका तैत्तिरीय उपनिषद का अगर देखें तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है कुल 7 कांड में विभाजित है। प्रथम कांड जो है उसमें 8 प्रपाठक हैं, यानी प्रथम भाग उसका जो है प्रथम विभाजन जो कांड में है और दूसरा जो उसका विभाजन है वो प्रपाठक में है। तो प्रथम कांड में 8 प्रपाठक हैं, द्वितीय कांड में 6 प्रपाठक हैं, तृतीय में 5 प्रपाठक हैं, चतुर्थ में 7 प्रपाठक हैं, पंचम में भी 7 प्रपाठक हैं, छठे कांड में 6 प्रपाठक हैं और सप्तम में 5 प्रपाठक हैं। इस प्रकार से तैत्तिरीय संहिता के कुल 7 कांड में 44 प्रपाठक पाए जाते हैं। प्रथम कांड में जो प्रपाठक हैं उनमें उनका विभाजन अनुवाकों में होता है, तो 146 अनुवाक हैं, द्वितीय में 75 अनुवाक हैं, तृतीय में 55 अनुवाक हैं, चतुर्थ में 82 अनुवाक हैं, पंचम में 120 अनुवाक हैं, छठे में 66 अनुवाक हैं और सातवें में 107 अनुवाक हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 651
अनुवाक पाए जाते हैं। अब हम अगर समझें तो तैत्तिरीय संहिता जो है वो पहले 7 कांडों में विभक्त है, 7 कांडों में प्रपाठक हैं, और प्रपाठक का भी जो विभाजन है वो अनुवाकों में किया गया है। देखिए कहीं कहीं इन्हीं अनुवाकों को प्रश्न नाम भी दिया गया है, यानी कुछ इस प्रकार की परंपराएं हैं जिनमें अनुवाक को प्रश्न कहा गया है। तो प्रश्नों में भी विभाजन है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे अष्टक्रम मंडल क्रम ऋग्वेद में है, ऐसे यहाँ पे अनुवाक और प्रश्न क्रम को आप समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे तो पूरा मंडल और पूरा अष्टक्रम आ जाता है, ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ कांड और प्रपाठक वाली परंपरा रहती है। ध्यान दीजिएगा एक विशिष्ट बात, इसमें कोई परिवर्तन ना आए, इसमें बाद में क्षतियाँ और पूर्तताएँ ना की जाएँ, इसके लिए एक बड़ा ही विशिष्ट विधान यहाँ देखा जाता है। प्रत्येक 50 शब्दों के बाद, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 50 शब्दों के बाद 50 करके इसका एक विभाग किया गया है। यानी जहाँ 50 शब्द पूरे हो जाते हैं, चाहे वो यजुस के बीच में हो जाएं या यजुस पूरा होने पे हो, या ब्राह्मण के बीच में हो जाएं या मंत्र के बीच में, जहाँ भी वो 50 शब्द पूरे हो जाएंगे वहाँ वो एक क्रम लिख दिया जाएगा कि 50-1, 50-2, 50-3। और इस प्रकार से जहाँ 50-50 के शब्दों का संकलन है उनको 50 कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं ये जहाँ 50 शब्द नहीं प्राप्त हुए, उससे कम शब्द हैं, तो उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो फिर 30-30 शब्दों के भी ऐसे विभाग पाए जाते हैं। लेकिन इसमें कुल मिला करके 2198 पंचाशती भी पाए जाते हैं। पदों की कुल संख्या 192,090 है, और अक्षरों की कुल संख्या 253,868 है। इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। अब चूंकि आपके पास तो ऐसे बहुत गूढ़ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जो तैत्तिरीय संहिता है वो मुख्यतया कांडों में विभाजित है, कांड प्रपाठक में विभाजित हैं, और प्रपाठक में अनुवाक पाए जाते हैं। पंचाशती क्रम भी इसमें मिलता है। पंचाशती क्रम का अर्थ ऐसा है कि जहाँ 50 शब्द पूरे हो जाते हैं उसको एक नंबर दे दिया गया, दूसरे 50 पूरे हुए तो उसको दूसरा नंबर दिया गया। ये मंत्र के बीच में भी हो सकता है, मंत्र के अंत में भी हो सकता है, जहाँ शब्द पूरा होगा, अक्षर की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जहाँ 50 शब्द पूरे होंगे वहाँ जा करके एक नंबर मिल जाएगा, तो उसको पंचाशती भी कहा जाता है। वेदों के विशेष करके कृष्ण यजुर्वेद के प्रख्यात ख्यातनाम विद्वान जो पंडित देवराज जी हैं, उन्होंने मूल यजुर्वेद के नाम से एक संहिता का संपादन किया है, और उन्होंने ये बड़ा विशिष्ट कार्य किया है कि उन्होंने ब्राह्मण मंत्रों को अलग कर दिया, ब्राह्मणों को और मंत्रों को अलग कर दिया, हम ऐसे कहें तो ज़्यादा योग्य रहेगा, और उन्होंने तैत्तिरीय संहिता जो है उसके मंत्र भाग को लेकर के एक संहिता का संकलन किया है। ये उनकी आर्ष परंपरा पे आधारित थी, और इस परंपरा के अनुसार इसमें 5 कांडों का उल्लेख पाया जाता है। प्रथम कांड का नाम है प्रजापत्य कांड, द्वितीय कांड का नाम है सौम्य कांड, तृतीय कांड का नाम है आग्नेय कांड, जो चतुर्थ कांड है उसको वैश्य देव कांड कहते हैं, और जो 5वां कांड है उसको स्वयंभू कांड कहते हैं। इसमें जो प्रजापत्य कांड है उसमें 5 प्रश्न हैं, जो द्वितीय कांड सोम कांड है उसमें 8 प्रश्न हैं, तृतीय आग्नेय कांड है उसमें 9 प्रश्न हैं, चतुर्थ वैश्वदेव कांड जो है उसमें 17 प्रश्न हैं, और स्वयंभू कांड में 1 प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, उस प्रकार से ये प्रश्न का विभाग भी पाया जाता है। तो कांड को प्रश्नों में यहाँ विभाजित किया गया है, और फिर उन प्रश्नों के अंदर कंडिकाएं पाई जाती हैं। तो ये था कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता का एक सामान्य परिचय, जो प्राचीन इसकी परंपरा है उसमें मंत्र भाग, मंत्र ब्राह्मण भाग और ब्राह्मण भाग, इस प्रकार से उसके 3 विभाजन किए जा सकते हैं। यानी कुछ कांड के कुछ अनुवाक में
जो मंत्र पाए जाते हैं वो तैत्रीय संहिता यजुष मंत्र हैं, कुछ में ब्राह्मण मंत्र पाए जाते हैं, कुछ में मंत्र और ब्राह्मण एकत्रित पाए जाते हैं। तो बहुत विस्तार है, सबकी चर्चा संभव नहीं है। आपको अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। ये थी एक सामान्य जानकारी तैत्तरीय संहिता के संदर्भ में। विशेष करके विषय की चर्चा मैंने पहले की है कि इसमें दास पूर्णमासी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इन सभी प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठानों का जो वर्णन करना था या उनका जो प्रयोग प्रायोगिक स्वरूप दर्शाना था, यजुर्वेद का मूल कारण ही यह है। इसलिए यहाँ पे पुनः मैंने इसका विषय क्या है उसका वर्णन नहीं किया है।